यादव जी, जवाब दें आप। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इनके पास अब कोई, आपने जो सही बात कही थी कि जब चुनाव करीब आ गया है तो इन्हें कैराना की याद आई, इससे पहले कभी कैराना नहीं आए थे। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री को हमेशा क्या विकास किया है इसकी बात करना चाहिए। हमें 2016 की ध्यान है, जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पूरे गिनाते थे कितना काम किया है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे मोहल्ले का दादा होता है, वो कहता है मार दूंगा, भोंक दूंगा। अब बताइए, सरेआम किसान कुचल दिए गए, और आज ही अभी समाचार आ रहा था कि गोरखपुर में एक आदमी की पकड़ हुई है और उससे 10 करोड़ मांगे गए हैं। अभी आपके टीवी पे आ रहा था। अब बताइए, गोरखपुर उनका खुद का है, और आपको ध्यान होगा आज से 2 साल पहले 1,000 बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए थे। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त केवल एक नारा है कि आपस में लड़ा दो। और सबसे बड़ी खास बात और है कि जितने अभी हमारे इटावा मुख्यमंत्री जी आए थे, अब बताइए, हमारी जेल हमने बनाई थी, सबने मालूम है जेल बनाई थी, हमने लाइन सफारी बनाई, और हमने भर्तना का एक पुल बनाया था बहुत बड़ा, जो बना था करोड़ रुपए का, वो भी उनने जोड़ लिया उसमें। बताइए, 2016 में जो काम पूरा हो चुका था उस पर मोहर लगाने ये आते हैं, तो इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये जो अक्सर विपक्ष की बात करते हैं, हमें ध्यान है 2013 में जब दंगा हुआ था, मैं मंत्री था, अखिलेश यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो रो पड़े थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई मरेगा हिंदू मुस्लिम वो हमारे परिवार का मेंबर है, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अभी योगी जी कहते दंग नहीं, योगी जी के दंगे नहीं हो रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार भाजपा की सबसे पहले कब आई थी?